हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। सो गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें कि मैंने आपको थ्रेड को किस तरह से पकड़ना है और उसको किस तरह से चलाना है वो आपने सीख लिया होगा। चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें थ्रेडिंग करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप के हेयर के लिए कौन सा थ्रेड का इस्तेमाल होता है। सो गाइस, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें थ्रेडिंग करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए टेलकम पाउडर, उसके बाद हमें चाहिए थोड़ी सी कॉटन, उसके बाद एक प्लकर, कैंची, थ्रेड, कोल्ड क्रीम और एस्ट्रिंजेंट। सो गाइस, इसको तो आपने मैक्सिमम पार्लर में देखा ही होगा, जहाँ पे आप थ्रेडिंग करवाने जाते हैं तो इसका इस्तेमाल आफ्टर थ्रेडिंग जरूर करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताया जो कि थ्रेडिंग करते वक्त हमें चाहिए। और गाइस, उसी के साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि थ्रेड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, 14 नंबर का और 16 नंबर का। 14 नंबर का जो थ्रेड होता है वो पतला होता है, इसलिए वो अक्सर महिलाओं की थ्रेडिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। 16 नंबर का जो थ्रेड होता है वो थोड़ा मोटा थ्रेड होता है, जो कि अक्सर पुरुषों की थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के साथ वो महिलाएं जिनकी आईब्रोज के हेयर थोड़े हार्ड होते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस पूरी थ्रेडिंग की प्रक्रिया को हमें किस तरह से करना है। आज मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी बता रही हूँ और आने वाली वीडियोस में इसको आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी। सो गाइस, सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट को आराम से चेयर पे बिठा लेना है, उसके बाद आपने लेना है टेलकम पाउडर और उसको कॉटन वॉल से उनकी आईब्रोज पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपने अपनी थ्रेडिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करनी है और जैसे ही आपकी थ्रेडिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपने उनकी आईब्रोज पे अप्लाई करना है एस्ट्रिंजेंट और उसके कुछ टाइम बाद आप कोल्ड क्रीम लेके उनकी आईब्रोज की, उनकी आईज की मसाज भी कर सकते हैं। बस ये इतनी सी प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया को हम थ्रेडिंग करना कहते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो जो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और जानकारी से भरी हुई वीडियोस आप तक पहुंच सके।